सो गाइस, तो आज की जो वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को तो थंबनेल देखे होंगे आफ्टर बिफोर, उसमें स्माइल नहीं था। फ्रेंड्स, इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं स्माइल किस तरह रियल स्माइल एकदम लग रहा है। तो आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने वाले फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस, आप लोग को अपने फोटो को लेकर आ जाना है लाइटरूम के अंदर। और फ्रेंड्स, लाइटरूम के अंदर आने वाले आप लोग को एक प्रीसेट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर उस प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिए। और प्रीसेट को फ्रेंड्स लाइटरूम के अंदर ऐड कर लेना है आप लोग को। और फ्रेंड्स, प्रीसेट को ऐड करने बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कॉपी सेटिंग लिखा होगा, कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डन कर देना है। और यहाँ से बैक आ जाना है फ्रेंड्स, और आप लोग को जो फोटो को एडिट करना है उस फोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पेज सेटिंग लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं वन क्लिक पे आप लोगों को फोटो एडिट हो जाएगी। होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाईलाइट को हल्का सा माइनस रखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे ब्लैक को भी हल्का सा माइनस, जो बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लैक हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको माइनस रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर पाएंगे और यहाँ पे मिक्स पे जाएंगे। मिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे हल्का से इसका सिचुएशन को हल्का से इंक्रीज कर लेना है, लिप वाले कलर को, और यहाँ से डन कर देना है। और फ्रेंड्स, आप लोग को इस पे आना है, तो हल्का से विग्नेट को हल्का सा और माइनस रखना है। और फ्रेंड्स, आप लोग को इस पे आना है, तो यहाँ पे देखिए मैकिंग को हल्का से इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पे कंटेस्ट को भी और कलर नॉइज को भी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मूथनेस को 100 और डिटेल्स को 100। और फ्रेंड्स, आप लोग क्या करना है, इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो अब अपनी फोटो को आफ्टर बिफोर देखना है फ्रेंड्स, आप लोग को बिफोर ये आफ्टर। तो आप क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी फोटो को यहाँ से शेयर करना है स्नैपशीट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी फोटो को लेकर आ चुका हूँ स्नैपशीट के अंदर। तो इसके अंदर आने वाला आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो टूल्स पे क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्टिव पे, और अपने चेहरे पे से स्लाइड करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पे गले के नीचे जहां जहां आप लोग को ब्लैक दिखाई दे वहां पे सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है आप लोग को। उसके बाद हल्का सा सैचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करना है, यहाँ से आप लोग को डन कर देना है, और यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है, टून इमेज पे जाना है, हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, और यहाँ पे सैचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज, और अनबाइंस को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पे हाईलाइट को हल्का सा माइनस। तो आप क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से डन कर देना है आप लोग को। अपने फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे ऑटोडक्स के अंदर, अपने चेहरे को स्मूथ कर लेंगे और अपने फोटो को ले चलेंगे उसके बाद से फेस ऐप में, जो स्माइल देते हैं फेस पे उसको कैसे लाया जाता है आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं, यहाँ से अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी फोटो को लेकर आ चुका हूँ ऑटोडक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आने के बाद आप लोग क्या करना है, सबसे पहले ब्रश पे क्लिक करना है, और फ्रेंड्स आप लोग को इस वाले ब्रश को चूज करना है, और आप लोग सेटिंग देख लेना है फ्रेंड्स, फ्लो को आप लोग 4 रखना है, स्ट्रेंथ को आप लोग 6 रखना है फ्रेंड्स, और साइज को अपने हिसाब से रखना है आप लोग को। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अपने फोटो को ऐसे जूम करना है और अपने चेहरे को स्मूथ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे अपने फोटो को जूम करके स्मूथ करेंगे तो जाकर अच्छे से स्मूथ होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं जल्दी में स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ से मैं अपने चेहरे को जल्दी से स्मूथ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चेहरा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। आप लोग को मैंने चेहरे को स्मूथ करके अपने जूम करके अपने चेहरे को मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, देख सकते हैं यहाँ पे चेहरा स्मूथ हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, अपने चेहरे पे स्माइल लाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले अपने थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और अपने फोटो को सेव कर लेंगे शेयर पे क्लिक करके, और फ्रेंड्स फोटो को ले चलेंगे फेस एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं अपने फोटो को गैलरी के अंदर से शेयर करूंगा फेस एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने फोटो को लेकर आ चुका हूँ फेस ऐप के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन भी डाटा के यूज नहीं कर पाएंगे, या वाईफाई आप लोग कनेक्ट करके तभी जाकर यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा देखने को,
तो यहाँ पे मैं जिसका आप लोग यूज करना चाहते हैं वो आप लोग यूज करके मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को अपने चेहरे पे स्माइल लाना है तो स्माइल पे क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बहुत प्रो है पूरा, अगर आप लोग को इसको भी अनलॉक करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड आएगा, उस ऐड को आप लोग पूरा फुल ऐड देख लेंगे तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लासिक देखिए ऑन अनलॉक है, फ्री में दिया है, तो यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फेस पे कैसे स्माइल आ चुका है, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत सारा मतलब एजेड स्माइल आ गया है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एज पे जाएंगे फ्रेंड्स, और एज पे जाने के बाद आप लोगों यहाँ पे एंग टू पे क्लिक कर देंगे। एंग टू पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेहरा कैसे डाउन हो चुका है, एकदम अच्छे से अपने परफेक्ट जगह पे आ चुका है। तो यहाँ पे इसे अप्लाई कर देंगे इसको, अब अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। तो आप लोगों को बहुत सारा इसमें देखने को मिलेगा, तो आप लोग एक एक देख कर ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को सेव कर लेंगे और अपने फोटो को ले चलेंगे फ्रेंड्स पिक्सार्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए मैं अपने फोटो को लेकर आ चुका हूँ पिक्सार्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फेस ऐप में आप लोग फोटो को एडिट करने के वास्ते यहाँ पे उसका लोगो आ जाता है, मतलब वाटर मार्क आ जाता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रॉप पे जाएंगे और यहाँ से ऊपर के इतना क्रॉप कर लेंगे भाग को और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्यूटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई कलर पे जाएंगे। आई कलर पे जाने के बाद आप लोग आई अपने सेलेक्ट करके अपने आँख पे लगा लेंगे, तो यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग को बहुत सारा यहाँ पे आई देखने को मिल जाएगा, तो जो आप लोग को अच्छा लगे उस आई को लगा लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाले आई को मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद इसको ऑपेसिटी को हल्का सा और इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद इरेज पे जाते हैं फ्रेंड्स और इनर्ट क्लिक कर देंगे, उसके बाद अपने फोटो को ज़ूम करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे हार्डनेस को पूरा फुल माइनस रखेंगे और अपने ऐसे आँख पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से डन कर देंगे और आई को अच्छे तरह से सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसका सेट हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से डन कर देंगे आप लोग। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पीएनजी को ऐड करेंगे, तो ऐड फोटो पे जाएंगे और यहाँ से एक पीएनजी को ले लेंगे, लाइट पीएनजी को। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे फ्रेंड्स ब्लाइंड पे और स्किन कर लेंगे, और स्किन करने के बाद इसको हल्का से ऊपर की तरह से लाइट मार देंगे और यहाँ पे इसके ऑपेसिटी को हल्का सा माइनस रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ पे टूल्स पे आएंगे और एडजस्ट पे जाएंगे फ्रेंड्स और यहाँ हल्का से ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इरेज पे जाएंगे फ्रेंड्स, इनवर्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस को पूरा फुल माइनस, ऑपेसिटी को भी, साइज को अपने हिसाब से। और फ्रेंड्स आप लोग अपने फोटो को ऐसे जूम कर लेंगे और अपने हेयर पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे चेहरे पे ऐसे बर्न डज बर्न दे देंगे। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से डन कर देंगे, तो अपने फोटो को सेव कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ड्रॉ में आएंगे और यहाँ पे ड्रॉ में आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को सेव टू ड्राइव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।